हाई एवरी वन वेलकम टू माई चैनल रमेंदर मैथ्स हब आई एम रमेंदर गैस आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर थ्री द क्वेश्चन थ्री हेयर इज इन फिगर सिक्स पॉइंट फाइव थ्री ए बी डी इज द ट्राइंगल राइट एंगल एट ए एंड ए सी इज पेंडिक्यूलर टू बी डी शो दैट ए बी स्क्र इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इन टू सी डी हमें यहाँ पे एक फिगर में ए बी डी ट्राएंगल गिवन है जो कि राइट एंगल्ड है एट एंगल ए और साथ में हमें गिवन है कि ए जो है ये बी के परपेंडिकुलर है फाइन और हमें इन तीनों पार्ट्स को प्रूव करना है सो so, जो जो हमें गिवन है और जो हमें प्रूव करना है वो सब हम यहाँ पे लिख देते हैं हमें गिवन क्या था दैट ए बी डी इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल डेट ए मीन्स एंगल ए इज़ इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो ये जो एंगल है ये हमारा नाइन्टी डिग्री का हो गया फ़ाइन और साथ में हमें ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी गिवन था और परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है कि ये दोनों साइड्स पर ये वाली दोनों साइड्स पर ये नाइन्टी नाइन्टी का एंगल बनाएगा फ़ाइन और हमें जो प्रूव करना है वो ये तीनों पार्ट्स यहाँ पे हमने लिख दिए ठीक है अब देखिए फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखते हैं तो उसको ए बी स्क्र इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी प्रूव करना है तो ए बी स्क्वेयर को मैं ए बी इंटू ए ब लिख दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ए बी इंटू ए बी को हमने प्रूव करना है बी सी इंटू बी डी के इक्वल फाइन सो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ बी सी को मैं इस साइड पर ले आऊँ और ए बी को मैं उस साइड पर शिफ्ट कर दूँ ये दोनों ही इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बी सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर आके डिवाइड हो गया ठीक है तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिला हमें कि आ, ये जो साइड्स हैं इनकी रेशो इक्वल है तो रेशो इक्वल कब आती है साइड्स की जब हम उन ट्राइंगल्स को उन जो न्यूमरेटर में जो साइड्स हैं उनसे बनने वाली ट्राइंगल और जो डिनोमिनेटर में साइड्स हैं उनसे बनने वाली ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूव कर दे तब फाइन सो यहाँ पे हमें आ, सिमिलर प्रूव करना होगा कौन सी कौन सी ट्राइंगल को देखिए ऊपर है ए बी और बी डी तो ए बी और बी डी से बनने वाली ये ट्राइंगल है ए बी डी ठीक है इसको हमें सिमिलर प्रूव करना होगा बी सी और ए बी वाली ट्राइंगल को मीन्स बी सी और ए बी ये वाली ट्राइंगल के ठीक है तो इन ये जो बड़ी ट्राइंगल हैं इसको हमने इस छोटी ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना होगा ठीक है तो अब यहाँ से भी आप हिंट ले सकते थे या फिर यहाँ से भी आ सकता था कि ए बी का स्क्वायर है मीन्स ए बी साइड दो बार इंक्लूड हुई मीन्स दो ट्राइंगल्स में आनी चाहिए ठीक है तो दोनों ट्राइंगल्स कौन सी हैं जो ए बी से बनती है एक तो ए बी से बनती है ये वाली छोटी ट्राइंगल ए बी सी और एक ये बड़ी ट्राइंगल ए बी डी ठीक है तो वहाँ से भी यही रिजल्ट मिला जो हमें यहाँ से मिला था ठीक है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ एंगल कॉमन हमें नज़र आ रहा है यहाँ से भी नज़र आ रहा है और फिगर से भी क्लियर हो रहा है दैट एंगल बी जो है ये छोटी ट्राइंगल में भी है और बड़ी ट्राइंगल में भी है ठीक है सो so, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी विच इज कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स फाइन और देन एक ट्राइंगल एक एंगल और आएगा हमारे पास कि ये जो छोटी ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल हमारा ये 90 है इसको हम वन नाम दे देते हैं ठीक है और इधर ये जो ए बी डी है इसका ये एंगल ए जो है ये 90 है ठीक है तो ये दोनों ही आपस में इक्वल हो गए तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल ए ईच नाइंटी ठीक है छोटी ट्राइंगल को हमने पहले लिखा था तो उसका एंगल भी पहले लिख दिया फाइन और बड़ी ट्राइंगल को हमने बाद में लिखा तो उसका एंगल बाद में तो दोनों ही ये नाइन्टी है तो आपस में इक्वल है तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं आपस में सिमिलर ठीक है अब इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना होगा ताकि हमें ये रेशो लिखने में प्रॉब्लम ना आए ठीक है तो सिम्बॉलिक फॉर्म में किस तरह से जाएंगे देखिए सी हम एंगल सी से स्टार्ट कर देते हैं ठीक है छोटी ट्राइंगल को नाइन्टी वाले एंगल से स्टार्ट कर देते हैं ट्राइंगल सी देन बी की तरफ जाते हैं और बाद में ए सी बी ए सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सी हुई यहाँ से हमने 90 से स्टार्ट किया तो बड़ी वाली ट्राइंगल को भी 90 से स्टार्ट करेंगे तो 90 था उसका ए के ऊपर तो यहाँ पे आएगा ए देन उसका एंगल कॉमन जो था वो बी था ना तो हम सी से बी की तरफ गए तो ये भी कॉमन एंगल की तरफ मीन्स ए से बी की तरफ ठीक है तो कौन बचा एंड पे डी सो ए बी डी के सिमिलर प्रूव हो गया ठीक है सो so, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो अब हम रेशोस को इक्वल लिख पाएंगे तो रेशो देखिए किस तरह से बनेगी हमें ऊपर ए बी चाहिए तो मीन्स ये दोनों वर्ड्स चाहिए बी ए या फिर ए बी फाइन अपॉन इज इक्वल टू और इधर हमें ए बी है यहाँ पे लिखा हमने तो नीचे क्या आएगा इसके ये दोनों वर्ड्स बी डी फाइन ये आ गए अब ऊपर यहाँ पे क्या आएगा नीचे हमें क्या चाहिए ए बी मीन्स ये वाली ट्राइंगल के फर्स्ट टू वर्ड्स आए तो यहाँ से भी फर्स्ट टू वर्ड्स आएंगे दैट इज़ सी बी और बी सी ठीक है यहाँ पे दोनों वर्ड्स आए ये वाले लास्ट टू तो यहाँ पे इसके अपॉन में इसके डिवीजन में लास्ट टू वर्ड्स लिखे और यहाँ पे हमने आ, नीचे हमें ए बी चाहिए था इस ट्राइंगल का ए बी तो ऊपर कौन सा आएगा इस ट्राइंगल का भी फर्स्ट टू वर्ड्स फाइन सो यहाँ से ये हमारा प्रूव हो गया इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए बी इंटू ए बी दैट इज़ ए बी का स्क्वायर और बी सी इंटू बी डी ये हमारा प्रूव हो गया फाइन सो फर्स्ट पार्ट इज़ डन हेयर अब हम करते हैं अपना सेकेंड पार्ट फाइन सेकेंड पार्ट एज ए सी स्क्र इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी ए सी का स्क्वायर है तो यहाँ से हिंट मिल गया कि दो ट्राइंगल्स जिन्हें हमें आ, सिमिलर प्रूव करना है उन दोनों में ही ए सी आना चाहिए तभी ए सी इंटू ए सी करके ए सी का स्क्वायर बनेगा फाइन सो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर है तो ए सी जो साइड है उनसे बनने वाली दो ट्राइंगल्स कौन सी हैं एक तो ए सी से बनने वाली ये है ए बी सी और एक है ये ए सी डी ट्राइंगल ठीक है तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ये वाली और ये वाली इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना होगा तभी हमारा ये सोल्यूशन बनेगा फाइन सो एक एंगल तो मुझे क्लियर कट नजर आ रहा है जो कि में उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग करनी होगी कौन सी इसको हम नाम दे देते हैं ये टू हो गया, तो ये थ्री ये वाला एंगल और ये फोर एंगल और इसको हम नाम दे देते हैं फाइव एंगल ठीक है तो अब देखते हैं इन ड्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी है ना तो ये एंगल तो 90 डिग्री है इसमें अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल वी विल बी हैविंग दैट एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू वन एटी डिग्री फ़ाइन ये होता है ना एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा वन एटी डिग्री के इक्वल फाइन सो यहाँ पे देखिए एंगल वन की वैल्यू है नाइन्टी डिग्री तो यहाँ पे मैं नाइन्टी पुट कर देती हूँ फाइन अब इसको नाइन्टी को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये वन एटी में से सब ट्रैक्ट होकर के क्या बनेगा वन एटी माइनस नाइन्टी इज वट दिस इज़ नाइनटी अगेन ठीक है ये यहाँ पे प्लस हो रहा है ना उधर देखिए ये माइनस हो गया इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर वन इक्वेशन फाइन सो अब देखिए एंगल थ्री और फाइव को एड किया जाए एंगल थ्री एंड यहाँ पे लिख देते हैं एंड एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री फाइन ये एंगल पूरा जो है ए ये नाइन्टी डिग्री का था मीन्स थ्री प्लस फाइव ये पूरा टोटल करके ये नाइन्टी डिग्री ही बनेगा फाइन सो so, अब देखिए अगर दोनों इक्वेशंस को हम ध्यान से देखिए तो राइट हैंड साइड्स आर इक्वल तो राइट हैंड साइड्स इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल आ जाएंगी फ्रॉम वन एंड टू वी गेट फ्रॉम वन एंड टू वी गेट दैट एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल ठीक है ये हो गया अब एंगल थ्री और थ्री तो कट गया क्योंकि सेम है ये फाइन दोनों साइड पे सेम चीज़ हो इक्वल टू के तो वो कट जाती है ठीक है और यहाँ पे थ्री एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फाइव बच गया फाइन इसको हम यूज़ करेंगे अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए देखिए एंगल फोर जो है ये इसमें आ गया छोटी ये वाली ट्राइंगल में और एंगल फाइव जो है ये इस वाले ट्राइंगल में आ गया, वा, गया फाइन सो अब हम स्टार्ट करते हैं इनको सिमिलर प्रूव करना इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी वी हैविंग वी आर हैविंग एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फाइव वी प्रूवड अबव ये तो हमने प्रूव कर दिया फाइन और देन और क्या था एंगल वन इज़ इक्ल टू एंगल टू ईच नाइन्टी एंगल वन इसमें आ रहा है और एंगल टू इस ट्रा एंगल में आ रहा है ठीक है सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ईच नाइंटी फाइन आपको फिगर से क्लियर हो गया होगा ये एंगल भी 90 है हमारा और ये वाला भी 90 ये आ रहा है एंगल वन इसमें आ रहा है और एंगल टू आ रहा है इस ट्रा में ठीक है सो so, इन दोनों एंगल्स की वजह से बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल अब कौन सी सिमिलर हो गई ये दोनों आपस में सिमिलर हो गई हैं दोनों ट्राइंगल्स ठीक है अब इसको बस हमें सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना होगा मैं यहाँ पर साइड पर लिखती हूँ पहले इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में इसको हम स्टार्ट कर देते हैं ए से स्टार्ट कर देते हैं ये वाली ट्राइंगल को फाइन ए देन इसका 90 की तरफ जाते हैं ए सी बी इसको हम इस तरह से लिख देते हैं ट्राइंगल ए सी बी अब ये किसके सिमिलर है ए पे बन रहा था एंगल थ्री ठीक है वो किसके इक्वल था आ, एंगल ए जो था वो तो आ, किसी के भी इक्वल नहीं लिखा हमने थ्री को तो एंगल ए को छोड़ देते हैं सी जो था वो इधर भी एंगल सी के ही इक्वल था ठीक है इधर नाइन्टी था तो इधर भी नाइन्टी था तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्लेस को छोड़ देते हैं यहाँ पर सी देन बाद में कौन सा एंगल था एंगल बी आ गया मीन्स ये एंगल फोर ये किसके इक्वल था एंगल फाइव के तो ये जाएगा अब फाइव के इक्वल था तो ये जाएगा अब ए की तरफ माइन फाइन यहाँ पे आ जाएगा ए ठीक है मीन्स यहाँ पे हमने ए सी बी लिखा ए के इक्वल हमने किसी एंगल को नहीं लिखा उसको हम छोड़ देते हैं सी के इक्वल हमने एंगल सी को ही लिखा तो यहाँ पे सी के सामने सी लिख दिया बी के इक्वल एंगल फोर के इक्वल एंगल फाइव तो वो, वो बन रहा था ए के ऊपर तो यहाँ पे ए लिख दिया फाइन बचा कौन सा डी डी सी ए फाइन पे डी आ जाएगा फाइन तो यहाँ पे कौन सी दो ट्राइंगल हो गई आपस में आप ए सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ए फाइन अब ये दोनों अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो इनकी साइड्स के रेशो को हम इक्वल लिख सकते हैं तो कौन कौन सी हमें साइड चाहिए थी ए सी का स्क्वायर चाहिए मीन्स ऊपर तो हमें ए सी चाहिए और नीचे क्या आएगा फिर डी सी ठीक है फर्स्ट टू वर्ड्स फर्स्ट टू वर्ड्स इज़ इक्वल टू अब यहाँ पे फिर से हमें नीचे चाहिए ए सी तो वो यहाँ से लास्ट टू वर्ड से आ रहा है तो यहाँ पे भी ऊपर हम लास्ट टू वर्ड्स लिखेंगे सी बी ठीक है तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें ऑप्टेन हुआ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इन टू डी सी फाइन ये हमारा सेकेंड पार्ट भी डन हो गया ठीक है अब हम करते अपना थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में देखिए हमें प्रूव करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इन टू सी डी तो ए डी स्क्वायर है मीन्स ए डी से बनने वाली ही दोनों ट्राइंगल्स को हमें चूज़ करना होगा सिमिलर प्रूव करने के लिए ठीक है सो ए डी से देखिए ए डी से दो ट्राइंगल्स कौन सी बनती हैं ए डी से ए डी सी एक तो ये वाली ट्राइंगल ए डी सी फाइन और एक ये पूरी ट्राइंगल ए डी B ठीक है तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना होगा अब फिर से हमें एक एंगल तो कॉमन नजर आ रहा है डी एंगल ठीक है पहले हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी एक एंगल तो कॉमन है दैट इज एंगल डी तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स फाइन और हमें और एक एंगल जो है वो हमें 90 डिग्री का नज़र आ रहा है दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली छोटी ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 और ये बड़ी वाली ट्राइंगल में एंगल ए इज़ 90 फाइन सो so, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया था वैसे ही ये हमारा थर्ड पार्ट भी है ठीक है सो एंगल टू इन द ए डी सी ट्राइंगल में एंगल टू इज़ इक्वल टू बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल ए ये दोनों ही क्या है ईच नाइन्टी डिग्री फाइन सो so, ये दोनों ट्राइंगल्स फिर से हमारे ए ए सिमिलैरिटी रूल के साथ सिमिलर हो गई हैं बस इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तभी हमारा आंसर जो है रेशियोज जो है वो इक्वल हम लिख पाएंगे आ, बिल्कुल सही से फाइन सो so, ये जो ट्राइंगल है इसको फिर से हम 90 से स्टार्ट कर देते हैं ये वाली ट्राइंगल को इसका एंगल ये वाला नाइन्टी था सी पे तो ट्राइंगल सी देन हम आ, आगे डी को हमने कॉमन लिखा था तो एंगल डी देन एंगल एंड पे ए ठीक है सी डी ए सिमिलर टू ट्रायंगल C90 था और बड़ी वाली ट्राइंगल में A90 था ठीक है C के सामने हमने वैसे भी A को लिखा था फाइन देन D जो था वो तो कॉमन था तो A से फिर से हम D की तरफ जाएंगे और एंड पे कौन सा बचा ट्रायंगल एंगल बी सो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए बाय ए एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल फाइन सो अब हम इनकी रेशियोज़ को इक्वल लिख पाएंगे हमें ए का स्क्ोअर चाहिए मीन्स दोनों साइड पर न्यूमरेटर uh, और डिनोमिनेटर में ए डी चाहिए यहाँ पे ए डी आ रहा है इस तरह से इसको हम डी ए लिखें या ए डी लिखें अपॉन में क्या आएगा लास्ट टू वर्ड्स है तो यहाँ से भी लास्ट टू वर्ड्स दैट इज डी बी फाइन और दूसरी साइड पर हमें डिनोमिनेटर में फिर से ए डी चाहिए मीन्स इस ट्राइंगल का ए डी आएगा फर्स्ट टू वर्ड्स आए यहाँ से तो इधर से भी फर्स्ट टू वर्ड्स आएंगे दैट इज सी डी फाइन सो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ए डी इन ए डी इज ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इन बी डी बी या फिर बी डी फाइन सो ये भी हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन थर्ड पार्ट फाइन तो ये हमने दो तीनों ही पार्ट्स में ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया ट्राइंगल्स हमने बहुत ध्यान से चूज़ किए कि स्क्वायर uh, वाला जो नंबर है जो साइड है उससे ही बनने वाली दोनों ट्राएंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव किया और बाद में सिम्बॉलिक फॉर्म लिखने के टाइम हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा नाइन्टी फर्स्ट और थर्ड में मैंने इसी तरह से किया नाइन्टी से दोनों ट्राइंगल्स को स्टार्ट किया फ़ाइन और जो थर्ड पार्ट जो सेंटर वाला पार्ट था उसमें देखिए मैंने क्या किया था उसमें हमने ये वाली दोनों जो ट्राइंगल्स हैं छोटी पर पेंडिकुलर के दोनों साइड पे इनको सिमिलर किया था और उसमें हमने एंगल फोर uh, को एंगल फाइव के इक्वल प्रूव किया फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल सम प्रॉपर्टी और ये नाइन्टी का एंगल uh, यूज़ करके फ़ाइन और बाद में हमने एंगल Uh, कौन सा इक्वल था हमारा वन और टू ये दोनों ईच नाइन्टी थे ठीक है तो आप यहाँ पे भी चाहे नाइन्टी से स्टार्ट कर लेते ये वाली ट्राइंगल को तो यहाँ पे मैंने किस तरह से किया था ए से स्टार्ट किया ए सी बी ए की तरफ से हम गए Uh, 90 की तरफ और बाद में बी की तरफ ठीक है और ए एंगल जो था वो किसी के भी इक्वल नहीं था तो उसको मैंने खाली छोड़ दिया फर्स्ट ऑफ ऑल और जो एंगल सी था वो उधर भी एंगल सी के इक्वल था तो इसको मैंने यहाँ पे भी एंगल सी लिख दिया और बी जो था वो ए के इक्वल था मीन्स यहाँ पे फोर जो था वो फाइव के हमने इक्वल प्रूव किया था पहले ठीक है तो फोर जो था उसको हमने फाइव के इक्वल लिख दिया और मीन्स बी के सामने एंगल ए आ जाएगा तो बचा कौन सा फिर एंगल डी ठीक है इस ट्राइंगल का एंगल डी बच गया तो यहाँ पे हमने डी लिख दिया ठीक है तो अगर आप 90 से स्टार्ट करते तो यहाँ पे आ जाता एंगल ट्राइंगल सी बी ए लिख देते सिमिलर टू ट्राइंगल यहाँ से भी सी आ जाएगा और बी के सामने फिर एंगल ए था ए और बाद में एंड पे डी बच गया तो यहाँ पे डी आ गया फाइन सो तो यहाँ से भी आपका रिज़ल्ट वैसे ही प्रूव होगा ठीक है फर्स्ट टू वर्ड्स एंड लास्ट टू वर्ड्स इस तरह से लेकर के यहाँ पे ए सी चाहिए था हमें तो ये दोनों वर्ड्स आए ए सी अपॉन और यहाँ पे ये यह दोनों वर्ड्स आएंगे दैट इज सी डी इज़ इक्वल टू यहाँ पर अब हमें ए सी चाहिए नीचे मीन्स ये दोनों फर्स्ट टू वर्ड्स तो यहाँ पे भी फर्स्ट टू वर्ड्स बी सी तो ये सेम रिज़ल्ट बना हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इन सी डी ठीक है तो जिस तरह से मर्जी आप जो है इक्वल सिमिलर uh, uh, का जो सिम्बॉलिक फॉर्म है लिख सकते हो फाइन सो विद दिस आई एम गोइंग टू ओवर माई वीडियो अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स